नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CRE मोटरसाइकिल में और मैं आपका दोस्त सूर्य चौहान, एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज ये बाइक जो है अपने पास ये टो होके आई है, मतलब कि धक्का लग के आई है। तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, सुबह आई थी अपने पास और अब रात हो चुकी है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है इस समय अपने पास, तो काम नहीं, वो फ्री नहीं हो पा रहे थे, टाइम मिल नहीं पा रहा था। तो अभी टाइम मिला है रात में, तो उसको सबसे पहले चेक करें कि इसमें क्या दिक्कत है, ये क्यों धक्का लग के आई और कस्टमर ने ये घर पे स्टार्ट क्यों नहीं कर पाई। और आपकी दुकान पे अगर ऐसी कोई बाइक आती है तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? तो आइए सबसे पहले इसमें इसका करंट चेक करेंगे, इसमें करंट बाइक में आ रहा या नहीं, चाहिए करंट चेक करते हैं। तो दोस्तों इसमें चाबी लगाई हम लोगों ने और ये क्या, इसमें तो किसी तरह की भी करंट नहीं है इसमें, ना लाइट, ना न्यूट्रल लाइट, ना चाबी। तो अब आप सबसे पहले इसमें चेक कर सकते हैं फ्यूज़। तो आइए अपना चेक करते हैं फ्यूज़। तो अब इसके फ्यूज़ के लिए आपको इसका बैटरी बॉक्स खोलना पड़ेगा, ये रहा अपना बैटरी बॉक्स, इसको खोल के बाहर निकालते हैं। ये इसका मेन फ्यूज रिले के ऊपर लगा होता है और फ्यूज़ क्या देख रहे हैं कि फ्यूज़ तो अपना ठीक है, तो इसको यहीं वापस लगा देंगे। दूसरे फ्यूज इस बॉक्स के अंदर होते हैं, लेकिन उसको चेक करने से पहले हमें अपनी नॉलेज से क्या लगता है, इस बैटरी को चेक करते हैं। तो अपना मल्टीमीटर उठा के लाते हैं। भाई मल्टीमीटर उठाओ। दोस्तों अपना जो ये मल्टीमीटर है इसको यहाँ 20 वोल्ट पे सेट करेंगे और इसको यहाँ यहीं कहीं होल्ड कर लेते हैं इस तरह से। अभी ये 0.05 है अपना, तो आप मल्टीमीटर देख सकते हैं। कुछ अपना मल्टीमीटर भी इसकी डिस्प्ले ठीक नहीं है, पुराना हो गया ना, पैसे कम है। आप लोग चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो आप समझ सकते हैं इसी तरह कंडीशन होगी अपनी। ओफो बैटरी माइनस, आप देख सकते हैं बैटरी अपनी माइनस में, इस बैटरी में कुछ भी नहीं है, तो करंट आएगा कहाँ से? सबसे पहले इस बैटरी को खोल के इसमें दूसरी बैटरी लगाएंगे, उस वाली बाइक की खोल के आप देख सकते हैं। वो अपनी पर्सनल बाइक, हमारी बाइक है, अपने हाथ से उसको ओल्ड मॉडल मॉडिफाई किया है। उसका नेक्स्ट वीडियो, इसके आगे वाला वीडियो पूरा ओल्ड मॉडल, पूरी मॉडिफिकेशन की, इसमें जो मॉडिफिकेशन की है उस पर आएगा। और पहले आपको क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि जब ये मॉडिफाई की थी तब हम यूट्यूब पर थे नहीं, तो आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे अगले वीडियो में, उसको देखते हैं। तो उसकी सबसे पहले बैटरी खोल के इसमें लगाते हैं। चलिए भाई बैटरी खोल लाओ। तो दोस्तों अपनी बैटरी आप देख सकते हैं इसमें दूसरी फिट कर ली है, ये एक साइड की वही बैटरी है जो इस बाइक में लगती है। अब आप कहें कि उस बाइक में दूसरी बैटरी लगती है, तो नहीं भाई, हमने उसमें मॉडिफाइड करके यही वाली बैटरी उसमें फिटिंग की है। तो आप बैटरी के हिसाब से अंदाजा लग सकते हैं कि उसमें कितनी गजब की मॉडिफिकेशन हुई होगी, अगली वीडियो देखने में मज़ा आएगा। तो इसमें चाबी लगाते हैं सबसे पहले और देखते हैं क्या करंट आया। ओह आ गया, करंट आ गया अपना भाई, ये देख सकते हैं आप, लाइट वगैरह जलने लगी, हॉर्न बज रहा थोड़ा थोड़ा तो इसका हॉर्न बज रहा। अब इसको सबसे पहले स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्ट होती है या नहीं, या इसमें कोई और प्रॉब्लम है। सेल्फ वेयरिंग ख़त्म, सेल्फ वाली गरारी जो है वो इसकी ख़त्म हो चुकी है। किक से कोशिश करते हैं, ये क्या है गाइस, आप इसकी किक स्प्रिंग की कंडीशन देख सकते हैं कि किस तरह लोग गाड़ी चलाते हैं, ये देख सकते हैं। इसका स्प्रिंग भी गड़बड़ है, इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अपनी ये बाइक आपने देखी, स्टार्ट तो हुई है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक हमें जो समझ में आई है कि इसी वजह से ये गाड़ी स्टार्ट हो भी नहीं रही थी, क्योंकि बाइक की जो बैटरी होती है वो अपने आप तो डाउन हो नहीं सकती। और इसमें हमने देखा कि एम्पियर मीटर इसका ना माइनस में जा रहा, ना प्लस में जा रहा, कोई हरकत कर नहीं रहा। इसका मतलब ये बाइक जो है बैटरी चार्ज भी नहीं कर रही, तभी वो बैटरी डाउन हो गई थी और इसीलिए ये गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पाई है। तो अब ये बैटरी तो दूसरी लगाई लोगों ने और बाइक बैटरी से स्टार्ट भी हो गई है। तो सबसे पहले इसकी चेक करते हैं कि इसमें चार्जर जो है इसका करंट निकाल रहा है या नहीं। इसके लिए अपने मल्टीमीटर को सेट करेंगे 12 वोल्ट पे, फिर इसको स्टार्ट करेंगे, इसको चेक करेंगे।
दोस्तों अपना मल्टीमीटर 20 वोल्ट पे सेट करके सबसे पहले इस बाइक को अपनी स्टार्ट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले ये अपनी बाइक जो है इसको उधर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। ये दोस्तों अपना माइनस वाला जो हरा वाला वायर है वो माइनस में लगाएंगे और लाल वाला ये प्लस में लगाएंगे और इसमें चेक करेंगे ये क्या कह रहा है अपना। तो ये देख सकते हैं आप 12 वोल्ट तो बैटरी पहले से ही चार्ज होती है और इसमें करंट बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है। समथिंग इसमें 12 13 14 बंद कर लेते पहले। इसमें करंट जो है 12 वोल्ट की अपनी बैटरी होती है तो इसमें 13 से 14 वोल्ट तक का करंट स्टार्ट गाड़ी पे आना चाहिए जो कि इसमें नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप चाहें तो इसका नीचे से जो हमने पिछले वीडियो में बताया भी आप लोगों को कि मैग्नेट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और हमें जो लग रहा है इस गाड़ी का चार्जर डिस्टर्ब कर रहा है तो इसमें सीधी सी बात है कि नया चार्जर लगा के चेक करेंगे। फिर इसकी वायरिंग वगैरह भी देख के एक बार देखें कहीं डिस्टर्ब तो नहीं, वो खोलने में ही समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले इसमें नया चार्जर लगा के एक बार देखते हैं कि क्या अपना करंट इसमें आएगा। तो दोस्तों ये अपना चार्जर और RR यूनिट आ चुका है ये दूसरा अपना। तो सबसे पहले इसके नीचे वाले कपलर निकालेंगे जो कि होते हैं यहाँ कहीं ये रहे, इसको बाहर निकाल लेंगे। निकल आया और इसको उस जगह पे लगाएंगे। और इसको अंदर एक वायर होता है इसमें आप निकाल लिए इसको, थोड़ा सा टाइट होता है इसको पुश करके आराम से निकाल लें। ये आप देख सकते हैं क्या बाहर। नया चार्जर फिट हो गया, बाइक को स्टार्ट कराएंगे। मैं दोबारा करंट अपना ही चेक करेंगे हम लोग। दोस्तों नया चार्जर लगाने पे भी इसमें अपना करंट नहीं आया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा आपने ये नया चार्जर फिट करके इसमें चेक किया था, तो आपको इसलिए ये दिखा रहे हैं कि कोई भी चीज़ डालने से पहले एक बार उसकी पहले प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें कि इसमें दिक्कत है कहाँ पे फाइंड आउट कर लें, उसके बाद ही कस्टमर कोई चीज़ बताएं या कोई चीज़ चेंज करें, वरना आप उसके पैसे भी कस्टमर ख़राब हो जाएंगे और गाड़ी ठीक भी नहीं होगी। तो इसमें जो हम लोगों को कमी मिली है इसकी जो अपना वायरिंग वाला जहाँ पे ये चार्जिंग का सॉकेट है, ये चार्जर का सॉकेट के अंदर की जो वायरिंग है ये इसमें दिक्कत है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको सीट ओपन करेंगे बस, तो थोड़ा इसको वायरिंग को बाहर निकालेंगे फिर आपको दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम किस जगह है। पर सबसे पहले इसकी सीट जल्दी से हम लोग खोल लेते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं अपना जो चार्जिंग वाला सॉकेट लगता है जिसमें चार्जर का आउटपुट निकलता है, इसकी आप क्लिप देख सकते हैं अंदर। इधर आप देख सकते हैं दोनों ठीक हैं और ये रहे अपने दोनों वायर आप देख सकते हैं, ये एक वायर ये और एक वायर ये भी ऊपर से दोनों ठीक हैं। लेकिन अब जब अंदर से इसको निकालते ये देखिए बाहर निकालेंगे हम लोग इस पेंच का से, देखिए थोड़ा सा टाइट निकलेगा ये आप देख सकते हैं। ये देखिए यही वजह थी जो बाइक अपनी ये खींच के लानी पड़ी, इस वजह से इसकी गाड़ी की चार्जिंग भी नहीं हो रही थी। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे कि इसका ये नया सॉकेट जो है
ये दोनों एक कोई पुरानी वायरिंग में से बना बनू के अपनी व्यवस्था करेंगे। तो इसको सबसे पहले अपना सॉकेट लगाएंगे, फिर आपको चेक कराते हैं कि इसमें चार्जिंग आ रही या नहीं आ रही। सबसे पहले इसमें इसका एक सॉकेट व्यवस्था करके सॉकेट। दोस्तों अपना आप देख सकते हैं कपलर जो है ये अपनी पुरानी वायरिंग डली थी, इसमें से काट के अपने उसकी वायरिंग को कपलर फिट किया है। अब इसमें करंट चेक करेंगे, इसमें आप इसमें देख सकते हैं 13-14 वोल्ट तक का इसमें करंट अपना आने लगा है। अपनी इस बाइक को आप बंद कर लेते हैं। तो आपने देखा इसमें अब 14 वोल्ट का पूरा करंट इसमें आ रहा है गाइस। अब इसमें चार्जर आप चाहते तो चार्जर चेंज कर देते या मेन कॉइल चेंज कर देते, तो दोनों चीज़ें चेंज करने पे इसमें सलूशन नहीं मिलता, इसीलिए बाइक बंद होके आई थी। तो आपने देखना इसकी बैटरी चार्ज होने लगी है और इसकी जो वायरिंग आप बता रहे थे वायरिंग में काफ़ी इस तरह की भी दिक्कतें आती हैं, तभी हम बोलते हैं कि 25-30 हज़ार किलोमीटर गाड़ी और समथिंग ये सोई चली हुई है अपनी ये गाड़ी, इसका मीटर डिस्टर्ब है, मीटर अभी इसका ठीक नहीं है। तो 25-30 हज़ार किलोमीटर की गाड़ी पे इसके सारे कपलर निकाल के एक बार सब टलूडी स्प्रे से साफ़ कर लेने चाहिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। तो आपके साथ भी अगर कोई गाड़ी आए तो आप इस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। आपने देख लिया है कि क्या क्या दिक्कत आती है और क्या क्या हम लोगों ने किया है। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें।